जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ और एसओजी पुलिस ने मंगलवार को अवैध शस्त्र सप्लायर्स को दबोच लिया, जिनसे पुलिस ने 10 अवैध हथियार दो वाहन बरामद किए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दबोचे गए हथियार तस्कर बाबू वसीम गैंग से जुड़े हैं। बाबू वसीम गिरोह ने दिल्ली में दंगों के दौरान शाहरुख नाम के व्यक्ति को अवैध शस्त्र सप्लाई किए थे, जिसने दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान दी थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि अवैध हथियार सप्लायर को पुलिस ने दबोच लिया है। बताते चले कि गिरफ्तार किए गए आरोपी बाबू वसीम गैंग के सदस्य हैं। बाबू वसीम गैंग ने ही दिल्ली में हुए दंगों में शाहरुख को अवैध पिस्टल सप्लाई की थी, जिसने दिल्ली पुलिस पर पिस्टल तानी थी। देखिए, आज हमारी एसओजी टीम और बाबूगढ़ पुलिस द्वारा जब जो एक संयुक्त अभियान चलाया गया था, उसमें एक कुछ अवैध असला सप्लायर्स को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम जमशेद, नौखेज और खिजर हैं। जनपद मेरठ के निवासी हैं और ये पूरे दिल्ली एनसीआर में पिस्टल सप्लाई किया करते थे। इनके पास से लगभग 2 पिस्टल्स बरामद हुई और बाकी कुछ अवैध असला, जिसमें कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुए। इस गैंग के बारे में जब और पूछताछ की गई गहनता से, तो पता चला कि ये वही गैंग है जो दिल्ली में CNRC के जब दंगे हुए थे, तो उसमें एक शाहरुख नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, जिसने एक पुलिस वाले के ऊपर पिस्टल तान दी थी। उस व्यक्ति को, शाहरुख को, जिसने पिस्टल सप्लाई करी थी, वो यही गैंग था, बाबू वसीम करके एक ये गैंग है पूरा मेरठ का, जो जिस तरीके से ये अवैध सप्लाई पूरे दिल्ली NCR में सप्लाई करते हैं। बाबू वसीम इस पूरे जो FIR हमारे अंदर है, उसमें वांछित चल रहे हैं और जल्द उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 तस्करों को पकड़ा, जिनके नाम खिजर उर्फ मोनू पुत्र मुस्तकीम निवासी करीमनगर मेरठ, जमशेद पुत्र इतरीश निवासी न्यू इस्लामनगर मेरठ और नौखैज पुत्र नईम निवासी दरियागंज मेरठ हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल में मैगजीन, 8 अवैध तमंचे, बाइक स्कूटी बरामद की है।